बिहान योजना अंतर्गत कार्यरत जनपद पंचायत माकड़ी के पीआरपी आरपी के एफएलएस आरपी सक्रिय महिला कृषि सखी एवं पशु सखी पिछले 5 वर्षों से मानदेय वृद्धि नहीं होने के कारण महंगाई से हो रही समस्याओं को देखते हुए राज्य शासन से मानदेय वृद्धि यात्रा भत्ता एवं नियमितीकरण जैसे मुद्दों को लेकर 16 मार्च से 25 मार्च तक ब्लॉक मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। दीपेश्वरी ठाकुर ने बताया कि हमारी मांग है मानदेय में बढ़ोतरी, नियमितीकरण, नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, मानदेय बहुत ही कम है, 1500-1200, इससे हमारा घर परिवार चलता है क्या? आप ही लोग बताइए, नहीं चलता तो सरकार से हमें एक प्रार्थना है कि हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए। हमारे कार्य को देखकर हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, नीचे जो कैंडर हैं बहुत ही मेहनत से कार्य करते हैं, उनके इस कार्य को देखते हुए हमारी मांग बहुत ही कम है। माकड़ी से रोशन सेन की रिपोर्ट। कर रहे हड़ताल, इसके बारे में जानकारी चाहिए। हम लोग सबसे पहले तो आप लोग को जय बिहान। हम लोग बिहान कैडर हैं और बिहान योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। हमारी मांग है मानदेय में वृद्धि, उसके बाद है नियमितीकरण, उसके बाद जो नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जो हम लोग का मानदेय बहुत ही कम है, 1500-1200, इससे हमारा घर परिवार चलता है क्या? लोग बताइए, नहीं चलता है। तो सरकार से हम लोग एक सूचना है और प्रार्थना भी है कि हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए, हमारे कार्य को देखें कि हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। नीचे के डर है तो हम लोग बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, जो इस कार्य को देखते हुए कि हमारे मांग बहुत ही कम है। शुभ नाम आपका? शुभ नाम क्या आपका? मेरा श्रीमती दीपेश्वरी ठाकुर है, जो बैंक मित्र का कार्य करती हूँ।